और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले में स्वास्थ्य विभाग महकमा शासन की मंशा को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसी के चलते शहर के पुराना अस्पताल परिसर स्ट्रीट ANM सेंटर भवन में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उस समय हंगामा खड़ा हुआ जब ANM कार्यकर्ताओं ने बैठक का बहिष्कार करके जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान ANM कार्यकर्ताओं ने बताया कि RCH पोर्टल पर डेटा एंट्री की जा रही है, जिसे लेकर CHMO ने हमारे साथ अमानक भाषा का उपयोग किया, जिसे लेकर हमने बैठक का बहिष्कार किया। वहीं अब CHMO रजनी डावर ने मामले को निराधार बताते हुए समझाइश देने की बात बताई है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। बैठक रखी गई है क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन एक बैठक होती है आशाओं ANM और सुपरवाइजर के बीच की। तो आज हमारी ये थे कि हमारे RCS पोर्टल में बहुत कमी है और जिसमें अभी हमने केवल 4 ही ANM की समीक्षा कर पाए, जिसमें से एक का काम 100% था, बाकी लोगों का काम बहुत पुअर था, जिसके लिए उनसे ये कहा गया कि भाई आपने अभी तक क्यों नहीं किया। नहीं किया तो इसके लिए हमारे सुपरवाइजर भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। भाई आज हम माँ की और बच्चे की हमें जो एंट्री करनी है, हमें पता होना चाहिए हमारे कितने हाई रिस्क केसेस हैं, हमको उतने लोगों की सेवाएं देनी है। वही हमारी आपको पता है कि हमारी कितने हाई रिस्क केसेस हैं, तो हमारी जो आशाएं हैं वो भी सेवाएं दे सकती हैं। तो उनका ये कहना था कि हमारी इंसल्ट हो रही है, यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनको बोलेंगे भाई आप काम नहीं कर रहे हैं, तो काम नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है, काम करना चाहिए। और सुपरवाइजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो काम करे और करवाए भी, और इसका मतलब है कि वो मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। तो उनका यह है कि आशाओं के बीच में भी आशाएं और ANM और सुपरवाइजर का एक कोऑर्डिनेशन होता, समन्वय होता, जब तक समन्वय नहीं होगा तो कोई भी काम सफलता नहीं मिलती है। तो उन्हें लगा कि हमारी इंसल्ट हो रही है, इंसल्ट नहीं होती, क्योंकि हम लोगों की भी पूरे मध्य प्रदेश के बीच में जब वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है तब हमें भी डांट पड़ती, तब हमारा पूरा मध्य प्रदेश देखता है, जहां DPM भी, BPM भी, BCM भी और दूसरे कर्मचारी भी बैठे रहते हैं, उनके बीच में बहुत गलत किया है। जो मुझे बहुत दुख की बात है कि मेरा स्टाफ इस तरह का है, जिसे उन्हें एक समीक्षा क्या होती ये नहीं मालूम। कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सर, खरगोन विभाग, खरगोन स्वास्थ्य विभाग में गोगांव ब्लॉक के समस्त कर्मचारी आज एक मीटिंग में आए थे, जिसमें कार्यक्रमों की समीक्षा हो रही थी। कार्यक्रम क्या है, सरकार द्वारा एक के बाद एक लगातार इतने कार्यक्रम आ रहे हैं। अभी NCD कार्य हुआ, जिसमें आपको जानकारी होगा हमारे BMO साहब तक को सस्पेंड कर दिया, हमने रात दिन काम करके उसका 100% कर दिया। अब एक दूसरा कार्यक्रम जो RCH पोर्टल में एंट्री का काम है, वैसे भी हमारी ANM बहनें 10वीं पास है मात्र, और इनका कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स नहीं हुआ है, लेकिन बार बार इन पर दबाव डाल के कि आपको डाटा एंट्री करना ही पड़ेगी, करना ही पड़ेगी, फिर भी बहनें प्रयास करके किसी का 50%, किसी का 70% तक काम हो चुका है। हमारे ब्लॉक में 6-6 डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे काम न लेकर इन पर थोपा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम कर्मचारी हम कर रहे हैं अपना काम, लेकिन उसके बावजूद भी हम पे दबाव डाल के और परेशान करने की भाषाएँ बोली जाती है। और एक बहन जो अभी बुजुर्ग महिला, उनको बोलते हैं कि तुमको जो टेबलेट खरीद के दिया है तो सरकार ने पिक्चर देखने को, तुम फील्ड में जाके पिक्चर देखती हो। अब 70-60 साल की महिला वो बेचारी पिक्चर जाके जाके कि अपना काम कर रही हो, तो इस प्रकार हमको बार बार परेशान करने की ये चल रही है। और मैडम ने आज बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती, हमारे निचले स्तर के जो आशा कार्यकर्ताएँ बैठी थी उनके सामने हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी। हमने मैडम कहा कि मैडम ये आशा कार्यकर्ता से हमारी बेइज्जती मत कीजिए। तो हम ये चाहते हैं कि कर्मचारी अपना काम पूर्ण ईमानदारी और जवाबदारी से कर रहा है, उसको भी शासन का सहयोग चाहिए, जो शासन का सहयोग चाह के साथ में हम मिल के काम कर सकेंगे। अभी कोई आंदोलन नहीं, अभी हम आज अभी इतना बैठक का हमने बहिष्कार किया है, आगे जो भी फिर हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी निर्णय लेंगे उसके अनुसार काम करेंगे। मैं सुनील कुमार सोनी, मैं स्वास्थ्य विभाग में MPHW के पद पर कार्य करता हूँ। हाँ, मैडम का कहना ऐसा पड़ता है कि आप लोग सब फील्ड में कोई काम नहीं करते हैं। मैडम को बोला कि हाँ हमारा कुछ काम पीछे है, लेकिन हमें 8 दिन में पूरा करके दे देंगे मैम। तो मैम का ऐसा कहना है कि आप है ना मोबाइल में टेबलेट में पिक्चर देखती रहती हो और कुछ काम नहीं करती हो। मैंने बोला मैडम हमने 2 महीना NCD का काम किया, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे हो गए हैं, इसलिए अनमोल में हम कुछ काम नहीं कर पाए, लेकिन हमको थोड़ा समय चाहिए। तो बोले कि नहीं इतना तो करके देना पड़ेगा आपको, क्या यहाँ मजाक बना रखा है, क्या हंसने के लिए आते हो, क्या टेबलेट लेके घूमते रहते हो, तुमको पिक्चर देखने का बड़ा शौक है। इस तरह से अभद्र व्यवहार किया मैडम ने, कुछ काम नहीं करते NCD में, PNC में कुछ काम नहीं करते हैं। समीक्षा बैठक थी, आगे क्या कदम रहेगा?
अगला कदम क्या होगा आपका? ये कि मैडम हमारे से अच्छे से व्यवहार आए, पेश आए और समय दे तो हम हमारा पूरा काम कर देंगे। क्या शुभ नाम आपका? अमृता सोनी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल